हम सब देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानते तो हैं, मगर उनका इतिहास अब भी हम सब में से बहुतांश लोगों को नहीं पता होगा। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पेशे से शिक्षिका थी व देश की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति के साथ साथ पहली आदिवासी महिला गवर्नर भी रही है। 20 जून 1958 में जन्मी मुर्मू की पढ़ाई निकाई भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से हुई है। वह स्नातक है। उनके पति श्याम चरण मुर्मू इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री का विवाह हो चुका है। मुर्मू का बचपन बेहद अभाव और गरीबी में बीता था, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत की आड़े नहीं आने दिया और भुवनेश्वर के रमा देवी वुमेन्स कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की। द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बेटी के लिए एक शिक्षक के रूप में कार्य शुरू किया था। राजनीति में आने से पहले मुर्मू ने एक शिक्षक के तौर पर अपनी करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया था। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया था। 2013 से 2015 तक मुर्मू बीजेपी की एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रही है। 2010 में उन्होंने मयूरभंज पश्चिम से बीजेपी की जिला अध्यक्ष की कमान संभाली। उन्हें 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2006 से 2009 के बीच वह बीजेपी की एसटी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही। 2004 से 2009 के बीच द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर से विधानसभा सदस्य थी। 2002 से 2009 के बीच मुर्मू ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी संभाली। 2000 से 2004 के बीच वह ओडिशा सरकार में परिवहन और वाणिज्य विभाग की मंत्री रही है। 2002 से 2004 के बीच उन्होंने ओडिशा सरकार के पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभाली। 1997 में वह पार्षद बनी और रायरंगपुर की वाइस चेयरपर्सन नियुक्त की गयी। इस तरह एक शिक्षक से देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद तक उनका सफर है। करीब एक साल पूरा हो रहा है और यह सफर उनका सफलता पूर्वक रहा है। NBC न्यूज़ के लिए प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।